नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि देश की जनता ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है, देश गरीबी के संकट से बाहर आ रहा है और भारत का भविष्य प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उज्जवल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, चार चरण के बाद चीजें लगातार बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों के जरिए पूरे प्रदेश भर में धुआंधार प्रचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे ज्यादा सहयोगी भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार उत्तर प्रदेश की हर सीट पर जाकर प्रचार कर रहे हैं और एक बड़ा नाम भी है वो हमारे साथ हैं, जो लखनऊ से आज चुनावी सफर पर निकल चुके हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं चार चरण हो चुके हैं, किस तरीके अभी तक चुनाव देख पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े अंतर के साथ बढ़त की ओर है। विपक्ष का कहूं मैं या इंडी गठबंधन का कहूं, सूफड़ा जनता ने साफ कर दिया है, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए कमल खिला दिया है। इंतजार 4 जून का है, जब 4 जून को 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की देश में मोदी सरकार बनेगी तो यह देश जहां विकास के एक नए युग में प्रवेश करेगा, जहां गरीब हमारे नौजवानों के लिए रोजगार की जोरदार बरसात होगी, जहां महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, जहां हमारा अन्नदाता किसान आज कर्ज लेना पड़ता है कर्ज देने लायक बनेगा, भारत का भविष्य उज्जवल है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार में। और यह 10 साल में करके दिखाया भी है, जो 10 साल में दिखाया है वो कांग्रेस 60 साल में उसका 10% भी नहीं दिखा सकी। इसलिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर किसी भी प्रकार का सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। चुनाव है, जबरदस्ती जरूर कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो प्रधानमंत्री जी के प्रति नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यह देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि हमें तीसरी बार मोदी सरकार बनाना, इसलिए कमल की बटन दबाना। आज सर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी से फिर से नामांकन कर रहे हैं। देखिए, तीसरी बार मोदी सरकार के लिए, तीसरी बार उत्तर प्रदेश के बाबा विश्वनाथ जी की नगरी वाराणसी से सांसद बनना, यह गौरव की बात है, हम लोगों के लिए खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो ऐसे हैं कि देश में किसी भी सीट से नामांकन कर दें, लाखों लाख वोट के अंतर से जीत करके संसद पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी को चुना। हम आज उनके नामांकन के अवसर पर बहुत बधाई भी देते हैं और हमें पूरा विश्वास है 2014 और 2019 से भी बड़े अंतर से 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद पहुंचेंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ फिर मैदान में हैं 2017 के बाद, बड़े दावे कर रहे हैं कि पीडीए के जरिए हम इस बार सत्ता में आ जाएंगे। देखिए, 2014 में तो श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय हम लोग 73 लोकसभा सीटें जीते थे, जब सत्ता में रहते हुए भाजपा के विजय रथ को नहीं रोक पाए। 2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री थे, बहुमत की सरकार चला रहे थे, भाजपा गठबंधन ने 325 सीटें जीती, जब हमें ये 2017 में नहीं रोक पाए। 2019 में सपा बसपा कांग्रेस सब ने गठबंधन कर लिया और उसके बाद भी भाजपा का विजय रथ नहीं रोक पाए। 2022 में तो ऐसे बयान वह दे रहे थे कि जैसे उनकी सरकार बन चुकी है और उनके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी सब सड़क पर आकर के लोगों को चुनाव के पहले ही सताना शुरू कर दिए, तो परिणाम क्या हुआ, सपा सफा हो गई और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने की ओर बढ़ गई। तो उनके जो दावे हैं या श्री राहुल गांधी जी के जो दावे हैं, या दोनों की जोड़ी फेल हो चुकी है पहले भी और 2024 में भी तो बुरी तरह से फेल होने जा रही है। अखिलेश यादव कन्नौज से और प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में नहीं आई, जबकि इस तरीके का था कि वो आएंगी रायबरेली से, संभवतः राहुल गांधी अमेठी से आएंगे, राहुल अमेठी छोड़ के रायबरेली आ गए, इसको क्या देख रहे हैं? सपा कांग्रेस दोनों पारिवारिक अंतर कलह के बहुत गंभीर दौर से गुजर रही है, दिखाने के लिए वो साथ साथ दिखते हैं लेकिन अंदर से सब अलग हो चुके हैं। श्री राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को राजनीति में नहीं उभरने देना चाहते और प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी को चुनाव में जीतने नहीं देना चाहती हैं। और इसी प्रकार से सैफई परिवार में भी, जैसे श्री अखिलेश यादव जी को कन्नौज से चुनाव लड़ा दिए,
जहां हारना निश्चित हो गया है, अब 4 जून को परिणाम भी आ जाएगा। और अखिलेश यादव जी ने अपने चाचाओं की राजनीति खत्म करने के लिए एक को बदायूं भेज दिया, एक को फिरोजाबाद भेज दिया, एक भाई को भेज दिया धर्मेंद्र यादव जी को वहाँ आजमगढ़ में। तो यह सब परिवार अंतर कलह का शिकार है, पार्टी में भगदड़ मची हुई है, इनके बड़े बड़े नेता सब पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, इनके विधायक सब क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। तो सपा हो या कांग्रेस हो, अब इससे मुक्ति का एक तरह से ये बहुत अच्छा अवसर है। सबसे मैं यही अपील करूंगा, समाजवादी पार्टी का उदय होना मतलब अपराध का उदय होना है, कांग्रेस का उदय होना माने भ्रष्टाचार जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खात्मे की ओर है, उस भ्रष्टाचार की पुनर्वापसी करने का काम होगा। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए लोग कमल का साथ दें, भाजपा गठबंधन का साथ दें, ऐसी मैं सबसे अपील भी करना चाहता हूं आपके माध्यम से। सर, अखिलेश यादव भी जब भाषण देते हैं या राहुल गांधी प्रियंका गांधी भाषण दे रहे हैं तो एक आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, वो दूसरी चीजों पर बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे हम जो मुद्दे पर बात कर रहे हैं वह मुद्दे पर पहले भी कायम थे, आज भी कायम है। हमारा मुद्दा था वैचारिक दृष्टि से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का, वो हमने बना दिया। और उनका मुद्दा था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर ना बने, वहां पर बाबरी मस्जिद बनी रहे, वो अपने मुद्दे पर कायम है, हम अपने मुद्दे पर कायम है। वो अपने मुद्दे पे कायम रह करके चुनाव हार चुके, हम चुनाव जीत चुके। हमारा मुद्दा था जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे, हटा दिया। उनका मुद्दा है कि वो 370 फिर वापस लाएंगे, वो लेकर आवे और है और बनी रहेगी। सामान्य नागरिक संहिता, हम तीसरे कार्यकाल जो मोदी जी का आने वाला है 4 जून के बाद, वह सामान्य नागरिक संहिता भी इस देश में लाने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे से न भटकी थी, न भटकी है, न भटकेगी। वो गरीबी हटाओ का नारा देते हैं और हम 25 करोड़ लोगों को नारा दिए बगैर गरीबी रेखा से बाहर ला करके देश में मुख्य धारा में खड़ा कर देते हैं। उनका काम था 100 रुपया में से 15 रुपया तो योजना का खर्चा करो, 85 रुपया दलाली कर जाओ। मोदी जी का लक्ष्य है 100% जो पैसा विकास का है, जो गरीब का है, जो किसान का है, जो नौजवान का है, जो महिलाओं का है, उनके लिए खर्चा होना चाहिए, वो खर्चा कर रहे हैं। तो उनके और हमारे बीच में कोई तुलना नहीं हो सकती। हमारी पार्टी मतलब एक आदर्श पार्टी, हमारी पार्टी के लिए सबसे पहले देश है, फिर दल है, फिर व्यक्ति है। उनकी पार्टी के लिए पहले व्यक्ति है, फिर दल है, फिर देश है। तो उनके और हमारे विचारधारा में, पार्टी में, हमारी कार्यशैली में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अखिलेश यादव लगातार ये चीजें कह रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि महंगाई पे हम बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, पीडीए को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं। कल भी उन्होंने ट्वीट किया जिसमें पीडीए की बात वो कह रहे हैं। उनका पीडीए क्या देख पा रहे हैं? उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनका पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। उनके डीएनए में नहीं है कि वो पिछड़ों का हित कर सकें, वो दलितों का हित कर सकें। उनका अधिकार लूट करके खा जाने वाले, उनके पथ की बाधा बन जाने वाले, जो एक पिछड़े वर्ग का नेता अगर उत्तर प्रदेश में उभर आए तो उसके पीछे पड़ जाने वाले, देश में एक पिछड़े वर्ग का नेता प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री पद से कैसे हटाया जाए। सामंतवादी, परिवारवादी राजनीतिक दलों ने एकजुटता बनाई, क्या लक्ष्य है पूछो? मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि वो गरीबों के कल्याण के लिए काम करते हैं, वो देश के विकास के लिए काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, नौजवानों को रोजगार के लिए काम करते हैं, देश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम करते हैं, अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम करते हैं। इसलिए हटाना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिनको पा करके पूरा देश यह गौरव महसूस कर रहा है कि एक गरीब का दर्द जानने वाला पहली बार देश का नेता बना है, प्रधानमंत्री बना है। और उसको यह सारे विपक्षी इसलिए हटाना चाहते कि इनके भ्रष्टाचार की जाँच न हो, जमानत पर है तो इनको जेल न जाना पड़े। ये नहीं चलने वाला है। इस देश ने फैसला कर लिया है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनाएंगे। सर, एक आप फायर ब्रांड नेता हैं और लगातार आपकी तरफ से हर विषय को लेकर बेबाकी से बयान आते रहे हैं। एक सर्वे आया है जिसमें 1950 के बाद से लगातार जो हिंदुओं की संख्या है वो घटती हुई दिखाई दे रही है और आसपास के देशों में भी, जबकि जो अल्पसंख्यक हैं वहां पर उनकी संख्या घट गई है। तो इस तरीके के सर्वे को किस तरीके से देखते हैं जहां मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है? ये कांग्रेस मुस्लिम लीग का रूप धारण कर लिया है और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के कारण से ही
नेहरू जी को कुर्सी से इतना मोह था कि अलग पाकिस्तान स्वीकार था लेकिन प्रधानमंत्री पद छोड़ना स्वीकार नहीं था। जम्मू कश्मीर की समस्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, जहां 370 लगा करके आतंकवाद को आमंत्रित किया गया, हमारे लाखों लोग जम्मू कश्मीर से विस्थापित हुए, हमारे हजारों की संख्या में सैनिकों का बलिदान हुआ। इन सबके अगर कोई दोषी हैं तो कांग्रेस है और उनके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। चीन को 62,000 वर्ग किलोमीटर जमीन थाली में सजा करके सौंप दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता उस समय मिल रही थी उसको भी नहीं लिया और देश आज कहां पर खड़ा है कि हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश और संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे पास वीटो पावर नहीं है, और यह भी नेहरू जी के कारण हुआ। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस ने किया, अन्यथा 1947 में जब भगवान सोमनाथ का मंदिर बनाने का रास्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गुजरात में साफ कर दिया था, उसी समय उत्तर प्रदेश में अयोध्या मथुरा काशी की समस्या हल हो जानी चाहिए थी, वो हल नहीं हुई। तो इनकी मानसिकता ही ऐसी थी कि इस देश के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ती रहे तो उनका वोट बैंक बढ़ता रहेगा और हिंदुओं की आबादी घटती रहेगी तो उनको सत्ता का कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अब इस देश का हिंदू भी जाग गया है और मैं समझता हूँ मुसलमान भी जाग गया है कि केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने से कोई काम चलने वाला नहीं है, और यह जो समस्या है इस पर निश्चित तौर से गहन विचार होना चाहिए और यह देश के लिए घातक समस्या है। जब एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ती है तो देश विभाजन के खतरे का सामना पहले भी आज़ादी प्राप्ति के बाद कर चुका है, फिर से इस देश का विभाजन न बर्दाश्त है न स्वीकार है, इसलिए आबादी का जो संतुलन बिगड़ा है ये निश्चित तौर से इस पर कड़े और बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। वो कांग्रेस नहीं कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही कर सकती है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कल चुनाव के बाद कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 की बात कह रही थी उसका 4 हट गया है, 00 बचा है, क्या कहेंगे? ये बात वो 4 चुनाव से कह रहे हैं, 2014, 17, 19, 22 चारों चुनाव में चारों खाने चित हो गए, 5वें चुनाव में भी वह बुरी तरीके से परास्त होने जा रहे हैं। और ट्विटर पे ट्वीट करना, मीडिया में बयान देना ये अलग बात है, और धरती पर उतर करके काम करना ये अलग बात है। समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं, दंगाई हैं, भ्रष्टाचारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, भारत माँ की सेवा के लिए समर्पित रहने वाले कोटि कोटि करोड़ों कार्यकर्ता हैं हमारे पास, और उनके पास गुंडों की फौज है, हमारे पास गरीबों का सैलाब है, गरीबों की ताकत है। गरीबों और गुंडों के बीच की इस लड़ाई में गरीब जीतेगा, गुंडे हारेंगे। सर, कुछ जो 4 चरण हुए हैं, कुछ वोटिंग परसेंट पिछले 2019 के मुकाबले कुछ कम दिखाई दे रहा है, तो वोटर्स को क्या कहेंगे कि लोग निकलें अपना वोट जरूर? वोट देने तो जरूर, ये लोकतंत्र का महापर्व है लोकसभा का चुनाव, इसमें निकलना तो जरूर चाहिए। लेकिन जो मेरा फीडबैक है उसके हिसाब से जो विपक्ष का वोट बैंक माना जाता है वो वोटर नहीं निकल रहा है, उसके मन में इस बात की निराशा है कि हम वोट देंगे तो भी सपा बसपा कांग्रेस को जीतना नहीं है, फिर से मोदी सरकार बननी है, इसलिए उनका मतदाता बहुत उत्साह हीन हो गया है और इसलिए वोट डालने के लिए नहीं निकल रहा है। लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे कि सब वोट डालने के लिए निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हार और जीत ये लोकतंत्र का हिस्सा है, चुनाव का हिस्सा है, लेकिन वोट डालने से बचना यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सबसे अपील करूंगा कि 5वें चरण के मतदान में भरपूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। केजरीवाल जेल से बाहर निकले और निकलते ही उन्होंने बहुत हमले बोले, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर, बहुत सारे आरोप भी लगाए, खासतौर पर प्रधानमंत्री को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की, क्या कहेंगे? पहले तो 2 जून को वो फिर से जेल जाने की तैयारी करें, आज 14 तारीख हो गई है, अब कितने दिन बचा है, 18 दिन बाद उनको जेल जाना है वापस। वो तो प्रचार करने के लिए मौका पाए, वो ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि दिल्ली में उनकी एक भी सीट जीत जाएगी। दिल्ली हम लगातार 2014, 2019 साथ की 7 सीटें जीतते रहे, 2024 में सभी 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी से झूठा व्यक्ति देश नहीं दुनिया के राजनीतिक इतिहास में दूसरा कोई नहीं होगा। उन्होंने जो भी बातें राजनीति में आने के पहले कही, राजनीति में आने के बाद उसके उल्टी बातें करते हैं, वह घबराए हुए हैं,
वो सोचते हैं अगर हम जेल जाएं तो बाकी जिन लोगों ने भी शराब पी है, शराब घोटाले का काम में हिस्सेदारी ली है, वह सब भी जेल जाएं। तो अभी तो श्री अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर है, जमानत पर तो हत्या का अभियुक्त भी छूट जाता है, पेरोल भी मिल जाता है, इसे जमानत पे छूटे हुए व्यक्ति को बहुत लंबी चौड़ी बात करने का नैतिक अधिकार नहीं। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाकर हर सीट पर लगातार वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, चीजें हैं, वो लोगों तक पहुंचे और 2014 जैसी परफॉर्मेंस 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी दोहराए। लगातार उनका यह सफर लखनऊ से जारी है, जहां आज वो बाराबंकी, बस्ती और अंबेडकर नगर जैसी सीटों पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करेंगे। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। तो केशव प्रसाद मौर्य से आपने बातचीत को सुना, अभी उनसे और भी कई सवाल पूछे गए और उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। चुनाव को लेकर और क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हें सुनते हैं, चूंकि लगातार हमारे संवाददाता उनके साथ रहे और उनसे हर सवाल का जवाब लेने की कोशिश की, चूंकि चुनाव चल रहा है। तो ये तस्वीरें केशव प्रसाद मौर्य से, न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और हर सवाल का जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने बेबाकी से दिया। विपक्ष पे निशाना साधते नजर आए, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए और बताया उन्होंने कि कैसे बदलाव हो रहा है, कैसे बदलाव होगा। मौर्य लखनऊ से निकल चुके हैं अपने चुनावी सफर पर, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सर, लगातार आप जा रहे हैं, पूरा दिन व्यस्त रहता है, किस तरीके की चीजें दिख रही, कैसा समर्थन? मेरे प्रधानमंत्री जी मेरे आदर्श हैं, मेरे मॉडल हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, वो 18 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जितना मेहनत करते हैं, अगर उतना ना कर पाए थोड़ा बहुत उनसे कम ही, लेकिन करें मेहनत, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव ये ऐतिहासिक चुनाव है, इसलिए जितनी क्षमता है उससे ज्यादा करेंगे। विपक्ष एक आरोप लगा रहा है इंडिया गठबंधन खासतौर पर कि मायावती अंदर खाने आपकी मदद कर रही है। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। 2024 में वो सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी, तब भी भाजपा 51% वोट पा करके 64 सांसद जिताई है, इसलिए सपा बसपा कांग्रेस की मदद की जरूरत नहीं है। वो जितनी ताकत हो विरोध करें, भाजपा का कमल उसने ही बड़े अंतर से खेलेगा। धन्यवाद। ये है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो अपने सफर पर, चुनावी सफर पर वो लखनऊ से रवाना हो रहे हैं। अब लखनऊ एयरपोर्ट से वो बाराबंकी जाएंगे, जहां से बस्ती और उसके बाद अंबेडकर नगर। हालांकि ये प्रतिदिन वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से फिर से सत्ता में वापसी करे। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया,